आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का स्रोत। प्राचीन इतिहास को तीन स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत से, विदेशी स्रोत से, ऐतिहासिक स्रोत से। पुरातात्विक स्रोत में आ जाता है अभिलेख और शिलालेख के द्वारा। अभिलेख में जैसे रुद्रदामन का अभिलेख हो गया, स्कंद गुप्त का अभिलेख हो गया। विदेशी स्रोत में जैसे फाइयान हो गया, मोरक्को का इब्न बतूता हो गया। ऐतिहासिक स्रोत में दो प्रकार का होता है, ये ब्राह्मण ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ, इसी को कहते हैं गैर ब्राह्मण ग्रंथ या फिर गैर धार्मिक ग्रंथ। गैर ब्राह्मण ग्रंथ भी दो प्रकार का होता है, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। और ब्राह्मण ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ इसी को कहते हैं, इसमें भी कई तरह का अध्ययन करते हैं, जैसे वेद का हो गया, उपवेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत।